हेलो दोस्तों, मैथ्स डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स में फर्स्ट पार्ट है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अ ग्रुप। सब ग्रुप में फर्स्ट पार्ट है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अ ग्रुप। लेट जी ओ बी अ ग्रुप एंड एच सबसेट जी बी आर्बिट्रेरी सच दैट एच डज नॉट इक्वल टू फाइव by the property of a group for all AB belongs to G, AB belongs to H. This implies AB belongs to G for H is subset of G. This implies A operation B belongs to G. This implies AOB belongs to H or AOB does not belongs to H. या तो ए बी क्या करेगा, एच को बिलोंग करेगा या तो एच को बिलोंग नहीं करेगा। इफ ए ओ बी बिलोंग्स टू एच देन वी से दैट एच इज स्टेबल फॉर द कंपोजिशन इन जी। जीओ हमारा क्या ग्रुप है, एच क्या है सबसेट ऑफ जी है, बी आर्बिट्री सच दैट एच डज नॉट इक्वल टू फाइव, एच की वैल्यू फाइव नहीं है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज ए बी अगर बी को जी को बिलोंग करेगा क्योंकि एच हमारा क्या है जी का सबसेट है। ए ओ बी बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज ए ओ बी बिलोंग्स टू एच और ए ओ बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच। ए ओ बी या तो एच को बिलोंग करेगा या तो एच को बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए ओ बी एच को बिलोंग करेगा देन वी कैन से दैट एच इज स्टेबल फॉर द कंपोजिशन इन जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप। लेट जी ओ बी अ ग्रुप देन एनी नॉन एम्प्टी subset H of G is called complex of G. जी हो क्या हमारा ग्रुप है, देन एनी नॉन एम्प्टी सेट एच जो जी का सबसेट है उसे हम कॉम्प्लेक्स ऑफ जी कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है लेट एस बी any complex of a group G then H is said to be stable for the composition in G if only if for all AB belongs to G, AB belongs to H. This implies A binary operation B belongs to H. H हमारा any complex of a group G है, then H is said to be stable for the composition in G if only for all, अगर AB H को belong करेगा तो A binary operation B belongs to H, then H is called complex of a group G if only if AB belongs to H. This implies AOB belongs to H. Next definition is subgroup. Subgroup की definition देखते हैं, any non empty subset H
H of group G is called a subgroup of G if only if first condition hai H is stable for the operation O. It means for all AB belongs to H, this implies AOB belongs to H. It means H is stable. अगर ये condition satisfy होती है तो उसे हम stable कहते हैं. It means H is stable for the operation O. Second, HO is a group. जो H हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप G का, उसे भी क्या करना चाहिए, ग्रुप फॉर्म करना चाहिए एंड H इज स्टेबल होना चाहिए. इट मींस फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, AO B बिलोंग्स टू H एंड सेकंड कंडीशन है H इज अ ग्रुप. जो H के हमारा GO का सबसेट है उसे ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, तभी हम उस H को GO ग्रुप का सब ग्रुप कहेंगे. अल्टरनेट डेफिनेशन है इसी की. और नॉन एम्प्टी subset H of a group G is a subgroup of G if H is itself group with respect to the same operation defined on G. इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज सब ग्रुप ऑफ G इफ H इज इटसेल्फ अ ग्रुप. H का हमारा सब ग्रुप होगा G का जब H क्या है, खुद क्या होगा, ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन डिफाइंड इन G. जो ऑपरेशन जी में होगा वही अगर ऑपरेशन एच में होगा और वो ग्रुप फॉर्म करेगा तभी वो एच क्या होगा, ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा. नेक्स्ट डेफिनेशन है टू सब ग्रुप्स जी ओ एंड EO of the group GO are called improper or trivial subgroups of G. टू सब ग्रुप्स हैं जी ओ एन ई ओ ऑफ द ग्रुप जी ओ आर इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी. ग्रुप खुद और आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, ये दो हमारे क्या होंगे, ग्रुप फॉर्म करेंगे, ये हमारे ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहे जाएंगे. इनको हम ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहेंगे. ट्रिवल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप जी खुद का ग्रुप एंड आइडेंटिटी जो हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा वो दो हमारे ट्रिवल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहेंगे, और जो अदर सब ग्रुप्स होंगे उसे हम प्रॉपर और नॉन ट्रिवल सब ग्रुप्स कहेंगे. एनी सब ग्रुप अदर देन दीज टू सब ग्रुप्स is called a proper or non-trivial subgroups. G and identity group form करेगा वो हमारा trivial और improper group का होगा, और उससे अलावा जो भी हमारे subgroups होंगे वो हमारे proper या non-trivial subgroups होंगे. कुछ examples देख लेते हैं. एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है वन माइनस वन
with respect to operation of multiplication है, is a subgroup of 1 minus 1 i minus i with respect to multiplication is subgroup. ये 1 और minus 1 with respect to multiplication is subgroup of 1 minus 1 i minus i with respect to multiplication is इसका subgroup होगा. जो हमारे पास property ये भी क्या खुद क्या करेगा, group form करेगा. तो ये इसका और ऑपरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इसका सब ग्रुप होगा. सेकेंड एग्जांपल है, जेड प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस, ये इसका सब ग्रुप होगा और ये ऑपरेशन क्या होना चाहिए, सेम होगा. यहाँ पे भी एडिशन है, ये भी एडिशन होगा. नेक्स्ट वन है क्यू प्लस इज अ subgroup of R plus. Next one है Q naught dot is a subgroup of R naught dot. Non-zero rational number with respect to operation multiplication is a subgroup of real number. Non-zero real number with respect to operation multiplication है इसका subgroup होगा. Next one है द सिमेट्रिक ग्रुप P3, इट मीन्स 3 एलिमेंट्स होंगे, आइडेंटिटी ABCD CA ABCD एंड ACB, 3 सिंबल्स होंगे और एलिमेंट्स हमारे 6 होंगे. तो हमारा P3 है, P3 हमारा सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिंबल्स 1, 2, 3 में और इसमें एलिमेंट 6 होंगे. द सब ग्रुप्स ऑफ P3, सब ग्रुप्स ऑफ P3 आर, फर्स्ट सब ग्रुप होगा H1 इक्वल टू आइडेंटिटी AB, सेकेंड सब ग्रुप होगा आइडेंटिटी BC, नेक्स्ट सब ग्रुप होगा आइडेंटिटी CA एंड नेक्स्ट होगा H4 आइडेंटिटी ABCD ACB. तो हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं सब ग्रुप्स के. H प्लस क्यू प्लस का सब ग्रुप होगा, क्यू प्लस आर प्लस का सब ग्रुप होगा, क्यू नॉट डॉट आर नॉट डॉट का सब ग्रुप होगा और P3 हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ सिंबल्स 3, 6 एलिमेंट्स होंगे, इसका सब ग्रुप 4 सब ग्रुप बनेंगे H1 S2 S3 H4, इस टाइप से इसमें एलिमेंट्स होंगे. तो ये हमारे सब ग्रुप्स के एग्जांपल हो गए. लेट जी बी अ मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, जी हमारा क्या है मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड आर द एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स. आर हमारा एडिटिव ग्रुप है ऑफ रियल नंबर्स. तो ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा रियल नंबर में एडिशन, ये हमारा क्या ऑपरेशन डिफरेंट है. यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव या ये एडिशन है तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा क्योंकि दोनों में ऑपरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. जी क्या है ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में है तो ये हमारा सबसेट नहीं फॉर्म करेगा क्योंकि ये ऑपरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो जब हम सबग्रुप चेक करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, ऑपरेशन भी सेम होना चाहिए. अब कुछ थ्योरम्स देखते हैं. थ्योरम नंबर फर्स्ट है अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ ओनली इफ, फर्स्ट कंडीशन है ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच. सेकेंड है ए बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, वेयर ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए इन जी. तो हमारे पास ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच है ग्रुप जी का, वो हमारा सब ग्रुप होगा जी का इफ ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच. एंड सेकंड कंडीशन है ए बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इफ ओनली इफ की कंडीशन है. तो पहले इन दो कंडीशन को लेके चलेंगे, सब ग्रुप सॉल्व कर देंगे, फिर सब ग्रुप लेके चलेंगे, इन दो कंडीशन को दिखा देंगे तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा. प्रूफ देखते हैं.
let H be a non-empty subset of a group G such that first and second hold. H हमारा non-empty set है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं first और second hold कर रही हैं, तो हमें prove करना है. To prove that H is a subgroup of G. For this we must show that H is a group. H is a group. अगर H को हम group दिखा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, H subgroup of G हो जाएगा. हमने subgroup की definition में पढ़ा था H क्या होना चाहिए, stable होना चाहिए. Stable है ये भी, हम first और second condition को लेके चल रहे, A भी H को belong कर रहा है तो उनका multiplication को भी H को belong कर रहा है. It means एच क्या स्टेबल है और सेकेंड हमारे सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो सेकेंड कंडीशन क्या होती है, एच क्या होना चाहिए, ग्रुप फॉर्म करना चाहिए. तो हमको सब ग्रुप दिखाने के लिए स्टेबल और एच को ग्रुप होना चाहिए. स्टेबल तो है ही, ए भी एच को बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या कर रही है, होल्ड कर रही है. तो अब हमको दिखाना है एच क्या ग्रुप फॉर्म कर रहा है. फर्स्ट कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी. ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज ए इंटू बिलोंग्स टू एच. ये फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास वैल्यू पता है, ए बी अगर एच को बिलोंग करता है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या कर रहा है, एच को बिलोंग कर रहा है. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी ए बी सी इक्वल टू ए इंटू बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एच. For all A B C belongs to H, this implies A B C belongs to A B C belongs to G because of H is a subset of G. H क्या G का subset है, तो A B C अगर H को belong कर रहे हैं तो A B C क्या करेंगे, G को भी belong करेंगे. This implies A B C equal to A into B C. ए बी सी अगर जी को बिलोंग करेंगे तो जी हमारे क्या है ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से एसोसिएटिविटी जी में एग्जिस्ट करेगी. ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी. ए बी सी क्या है एच को बिलोंग कर रहा है, एच एच जी का सबसेट है. इट मीन्स ए बी सी क्या करें जी को बिलोंग करेंगे, जी हमारा क्या है ग्रुप है, ग्रुप है तो ग्रुप में क्या होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो इट मीन्स ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन हो जाएगी बाय एसोसिएटिविटी इन जी. एसोसिएटिविटी इन जी से हमें वैल्यू पता कर सकते हैं ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी. ये एसोसिएटिविटी होगी इन जी में. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. इफ ई बी द आइडेंटिटी इन जी, then E is also identity for H. A belongs to H, this implies A inverse belongs to H. By second property we have A belongs to H, this implies A inverse belongs to H. A belongs to H and A inverse belongs to H, this implies E equal to A inverse belongs to H. By फर्स्ट वी हैव ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमारे पास ए अगर एच को बिलोंग करा उसका इन्वर्स भी क्या है एच को बिलोंग करा. पास सेकेंड प्रॉपर्टी ये हमारे पास पता है ए अगर एच को बिलोंग करा उसका इन्वर्स भी एच को बिलोंग करेगा. बाय सेकेंड एंड ए बिलोंग्स टू एच, ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या करेगा एच को बिलोंग करेगा. बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू ई के इक्वल हो जाएगी. इट मीन्स ई बिलोंग्स टू एच, इट मीन्स आइडेंटिटी क्या करी एग्जिस्ट करे. दस देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी ई बिलोंग्स टू एच. सेकेंड प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ईच एलिमेंट of H is inversible by second property. से हमें second
वर्चू में कह रखा है ए अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी एच को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हमें गिवन है, ए एच को बिलोंग करता है, ए इन्वर्स भी एच को बिलोंग कर रहा है बाई सेकेंड वर्च्यू, इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें इन्वर्स कन्वर्स लेके चलना है, तो अब फैक्ट्स का प्रूफ करता है एच इज अ ग्रुप, एच इज अ ग्रुप, हमने एच को ग्रुप प्रूफ कर दिया। कन्वर्सली कन्वर्सली अब एच को हम सब ग्रुप लेके चलते हैं, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप लेके चलेंगे और फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन को हम शो करेंगे, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी टू प्रूव दैट फर्स्ट एंड सेकेंड होल्ड, सब ग्रुप लेके चलेंगे और दिखा देंगे फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन के अगर ये होल्ड करेंगे। अवर अजम्पशन एच इज अ ग्रुप, अगर हमारे पास क्या एच सब ग्रुप है तो हमने दिखाया एच क्या ग्रुप है तो वो सब ग्रुप होगा, तो यहाँ से हमारे पास पता है एच क्या हमारे पास ग्रुप है, अवर अजम्पशन क्या है एच इज अ ग्रुप। अगर हमें किसी को सब ग्रुप प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं ग्रुप प्रूव करते हैं, हमें गिवन है सब ग्रुप है, इट मीन्स एच क्या होगा ग्रुप होगा, इट मीन्स एच इज अ ग्रुप, दिस इम्प्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड होल्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड होल्ड हम लेके चले एच क्या सब ग्रुप ऑफ जी है, प्रूव करना है फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन होल्ड करेगी, एच क्या सब ग्रुप है तो एच क्या होगा ग्रुप होगा, बाय सब ग्रुप की डेफिनेशन से हमें पता करा एच को सब ग्रुप प्रूव करना है तो एच को क्या होना चाहिए ग्रुप होना चाहिए, एच ग्रुप है तो एच ग्रुप होगा तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होगी फर्स्ट वाली सेटिस्फाई होल्ड करेगी, सेकेंड क्या हमारी इन्वर्स है इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा तो इट मीन्स एच इज अ ग्रुप, दिस इंप्लाइज फर्स्ट एंड सेकेंड होल्ड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद।